मार्केट के व्यापारियों को ओड इवन के हिसाब से दुकान खोलने की परमिशन मिली थी, बावजूद इसके दुकानदार खुले काउंटर से माल बेच रहे थे, जिससे पूरे जेल रोड पर भीड़ लगी हुई थी। इसके साथ ही ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और न ही मास्क लगाए हुए थे। इंदौर के नावेल्टी मार्केट के व्यापारियों को कलेक्टर द्वारा ऑड इवन के हिसाब से दुकान खोलने की परमिशन मिली थी, लेकिन सारे दुकानदार खुले काउंटर से माल बेच रहे थे, जिससे वहां भीड़ इकट्ठी हो रही थी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे थे, इसके साथ ही कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले उनको समझाइश दी, लेकिन फिर दुकानदारों ने पालन नहीं किया तो जोन अधिकारी ने दुकान सील करना उचित समझा। इस दौरान बहुत से दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, कुछ दुकानदारों के चालान बनाए गए। बाद में सबको समझाया गया कि भीड़ ना लगने दें और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सबसे चालानी कार्रवाई की गई है तो आप में कितना फर्क पड़ा है दुकानों को? जो व्यापारियों को ऑड और इवन के हिसाब से परमिशन मिली है, उसमें व्यापारी कंफ्यूजन था, कंफ्यूज हो रहा था। होलसेल व्यापार को उसको किस टाइप से करना चाहिए, तो तमाम सारी व्यवस्था से हम लोगों ने अवगत भी कराया, क्योंकि कंफ्यूजन होने के कारण और फिर क्या है, आम जो कस्टमर आता है होलसेलर के वहाँ कस्टमर आता तो वो एक के साथ तीन तीन कस्टमर लेकर आता है, तो उससे एक ही न्यूज के लिए सोशल डिस्टेंस का आदमी पालन नहीं कर पा रहा है। सबको समझा भी रहे, बता भी रहे, लेकिन उसके बाद भी एक आम कस्टमर जो है इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहा है। अब हमने आज जैसे चालानी कार्रवाई हुई है, पूरी कार्यक्रम में आज शाम को बैठक लेके पूरे जेल रोड पर हम बैरिकेड कल तक लगवा देंगे। एक व्यवस्थित व्यवस्था हो जाए, ऐसी व्यवस्था हम सब लोग करने के लिए तत्पर है। यहाँ जेल रोड है, नगर ये मोबाइल मार्केट है और यहाँ कूलर और उसकी फैन की दुकानें भी है। यहाँ के व्यापारियों ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं, न ही बहुत सारे लोग यहाँ मास्क पहने बगैर आ रहे हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण निगम द्वारा यहाँ कार्रवाई की जा रही है, कंटिन्यूस करी जा रही है। सुबह से यहाँ कम से कम 50 एक चालान हमने काट दिए, 10 एक दुकानें सील कर दी है, उसके बाद भी यहाँ बहुत भीड़ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा दुकानों को सील करें, जिससे कि यहाँ पर भीड़ कम से कम हो सके। विवाद की स्थिति में बनी थी, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट करा था कि आप दुकानें सील ना करें, हमारे द्वारा पहले समझाइश दी गई, नहीं माने तो हमको सेकंड टाइम में उसको फिर सील करना पड़ा, क्योंकि हर दुकान में 10-10 आदमी बाका आदमी खड़े हैं, इनको रिटेल की परमिशन नहीं है। उसके बाद भी ये लोग रिटेल कर रहे हैं,